मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक दलों के बीच माहौल गर्म होता दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सागर जिले के देवरी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दावेदारों को नसीहत देते नजर आए। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का कहना है कि जो लोग देवरी विधानसभा की दावेदारी कर रहे हैं वो 2000 मतदाताओं को जोड़े और उसके बाद विधानसभा की दावेदारी करें। गुरुवार को केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह लोकसभा क्षेत्र तथा सागर जिले के देवरी कला पहुंचे, जहां उन्होंने आयोजित बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, जो लोग देवरी विधानसभा की दावेदारी कर रहे हैं वो 2000 मतदाताओं को जोड़े और उसके बाद विधानसभा की दावेदारी करें। टिकट की लाइन में कोई रहेगा, बाकी को कोई नंबर नहीं मिलने वाला नहीं है। तो पूछने वाले कि आप ये बताइए कि आपने पार्टी को कैसे कितना योगदान किया, तो सही काम के लिए तो अभी कितने पर चले जा रहे हैं। 2009 मतदाता वो सूची पूछी जाएगी, नहीं तो आपकी बाजू में खड़े होंगे टिकट मांगने लायक करना पार्टी में योगदान आपको क्या करना होगा। आपने पार्टी को कह दिया, पार्टी से आप सब कुछ चाहते हैं, लेकिन पार्टी को कहने के राय में आप कह रहे हैं। ये चीजें तो आपको बता दी जाएगी, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पार्टी ठीक रास्ते पर है, पार्टी गलत रास्ते पर है। ये हम सबको तय करना पड़ेगा कि जो लोग से क्या कहते रहते हैं जाति के नाम पर, बाकी कारणों से धन का विभाव बताते रहते हैं, उनको अगर जवाब देना है तो विचार की ताकत चाहिए, कर्म की ताकत चाहिए। इस कार्यकर्ता को कुछ और नहीं चाहिए, स्नेह की भाषा और सम्मान चाहिए, इसके अलावा कुछ भी चाहिए। उसे कहीं ना कहीं इसे मैं कहता हूँ, जो हमारा सामान्य कार्यकर्ता है उससे मेरी बिनती है, देखो ये चित्र आसान चित्र है। दीनदयाल जी उपाध्याय का दर्शन है, जिसके कारण शिवराज जी हो या मोदी जी हो, जो योजनाएं बन रही है वो दीनदयाल उपाध्याय के स्मरण के कारण बन रही है। ये धर्म कल्याण की सेवा, ईश्वर की सच्ची सेवा है। कोई पीछे छू क्या तो उसको अपनी बराबरी पर रखकर खड़ा करो, यही राजनीति का धर्म है। ये दीनदयाल के उपाध्याय ने जो कहा, बलिदान की ताकत और त्याग की ताकत किसी ने दी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दी। व्यक्ति में दोष हो सकते हैं, हम जिस विचार से आते हैं तो संघ विचार हमको कहता है कि भगवान हमारा गुरु है, व्यक्ति में दोष हो सकते हैं लेकिन धर्म में दोष नहीं होता। इसे कहते हैं कि हमारी पार्टी में दोष नहीं होता। उम्मीदवार कौन होगा, कमल होगा ना, आदमी कौन होगा, उससे मतभेद होगा अपना, हमें क्या करना रहना है, हमें से तो नहीं है। उससे दुविधा नहीं खत्म हो जानी चाहिए। तो फिर मैंने पहले आपसे संवाद करा था, व्यक्ति विचार विकास के तीन पैमाने होते हैं, किसी भी कोई कसौटी का प्रश्न नहीं। कांग्रेस को हमारी बात का जवाब नहीं दे सकती। दो प्रश्न मैंने किसी जगह भी किए थे, यहाँ भी करता हूँ, आपको करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।